मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र का अनुसरण करते हुए गोरखनाथ स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या इंग्लिश मीडियम के बूथ संख्या 249 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे ही बूथ पर पहुंचे मुख्यमंत्री अपने बूथ के पहले वोटर भी बने। मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर जलपान किया। मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जनता जनार्दन में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर माताओं और बहनों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ है। सीएम योगी ने कहा कि 6वें चरण में जिन 9 जिलों में मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं से अपील है कि वह अच्छी सरकार, सुशासन की स्थापना व आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मतदान अवश्य करें। सीएम योगी ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में प्रदेश की जनता ने अपने उत्साह से अच्छी सरकार के चुनाव की बात को साबित किया है। उन्होंने कहा कि अब तक के रुझान ने यह दर्शाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे है। 6वें चरण के चुनाव में जीत का जोरदार छक्का लगाकर हम 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। 7वें चरण में 2017 की तुलना में उससे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ईमानदारी, श्रद्धा व प्रतिबद्धता के साथ जनता के भरोसे का मान रखते हुए कार्य किया है। जनता के उत्साह में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। गुरुवार को हो रहे 6वें चरण के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार चुनने में जनता से सही निर्णय करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, गरीबों व समाज के सभी वर्गों के लिए अभूतपूर्व कार्य करने का प्रयास किया है। इसे देखा भी जा सकता है। आज निर्णय की घड़ी है कि हम कैसी सरकार चाहते हैं। माफियाओं, दंगाइयों का साथ देने वाली लोगों की सरकार या फिर ऐसी सरकार जिसने सुरक्षा, विकास, रोजगार व सुशासन की गारंटी दी है। निर्णय की इस घड़ी में हम चूके तो 5 वर्ष की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सीएम ने कहा कि सुरक्षा, विकास, सुशासन व जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को देखा व सुना है। इन 5 सालों में विकास के बड़े बड़े कार्य हुए। खाद कारखाना चालू हुआ, एम्स भी बना, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले गए। यही नहीं, 40 सालों से हजारों बच्चों को असमय काल कवलित करने वाली इंसेफलाइटिस की समस्या का समाधान हमने 4 साल में कर दिखाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है। भाजपा की सरकार ने दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण दिया है। दंगाइयों व पेशेवर माफियाओं के खिलाफ आप सब ने बुलडोजर के बेहतर उपयोग को भी देखा है। पहला वोट यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खास तौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है और मेरी भी
जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज मतदान हो रहा है, तो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा भी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज छठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है और आज छठे चरण का जो चुनाव है इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा 2017 के तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। जो उत्साह है खासतौर पर माताओं बहनों में, मैं इसको कह सकता हूं कि 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी, 20% सीटों में बंटवारा होगा जिसमें पूरा विपक्ष आपस में इन सीटों को लेकर के उन 20% सीटों में ही उनमें आपस में बंटवारा होना है। दूसरा, जनता जनार्दन से मेरी अपील है, जो आज के इस छठे चरण में मतदान करने के लिए प्रातःकाल से ही अपने अपने मतदान केंद्रों में बूथों पर एकत्र हुए हैं, उन सब से मेरी अपील है कि वे मतदान स्वयं भी करें और हर एक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान करने के लिए अवश्य प्रेरित भी करें, क्योंकि राजनीति को कुछ लोगों ने वंशवाद, भ्रष्टाचार, माफियावाद और आतंकवाद के समर्थन का पर्याय बनने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर हमें इस विकृति से बाहर निकलना है, वंशवाद की राजनीति से, जातिवाद की राजनीति से, मत और मजहब की राजनीति से, माफियावाद और आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्ति से बाहर निकलना है, तो हम मतदान करें और विकास, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है और थोड़ी सी चूक
कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी उन सब से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पीछे प्रणाम महाराज जी, महाराज जी प्रणाम।